आप देख रहे हैं TNB। भोजपुर में जमीन पर नहीं पानी में भी खेती शुरू होने जा रही है। नीचे मछली पालन होगा और ऊपर सब्जी उगेगी। पौधे की जड़ें कार्डबोर्ड के सहारे पानी में रहेगी और ऊपर जाल पर सब्जियों का लतर फैलेगा। ये संभव होगा एक्वापोनिक्स तकनीक से। कांदारपुर बाधार में एक्वापोनिक्स फार्म का निर्माण जोर शोर से हो रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो आगामी अगस्त माह से इसके चालू हो जाने की भी संभावना है। इसे बिहार का पहला एक्वापोनिक्स फार्म बताया जा रहा है। इसमें मछली का पालन के साथ साथ सब्जियों की इंटीग्रेटेड तरीके से खेती होगी। यह पूरी तरह जैविक होगी। खाद की व्यवस्था मछलियों के मल मूत्र से होगी। इससे फसल में बीमारियां नहीं होती। 95% तक पानी की बचत भी होगी इससे। हालांकि पूंजी की जरूरत अपेक्षाकृत अधिक होती है, साथ ही तकनीक का ध्यान देने की भी जरूरत पड़ती है। इसमें पॉली हाउस की जरूरत होती है, जिसका निर्माण अंतिम दौर में भी होता है। एक्वापोनिक्स नई तकनीकी में से एक है। विदेशों से आई एक तकनीक को भविष्य की खेती का नायाब तरीका माना जा रहा है। कांदारपुर गांव के 54 वर्षीय किसान धर्मदेव सिंह जिले के इस बदलाव के वाहक बने हैं। इसकी प्रेरणा उन्हें अपने IITian बेटे व उसके इंजीनियर दोस्तों से मिली। इसकी तैयारी को लेकर खेत पहले से खाली छोड़ा गया था। बीते जून माह से इसका निर्माण शुरू हुआ है। सब्जियों के अलावा पॉली हाउस में अश्वगंधा जैसे औषधिक पौधे और गुलाब की खेती भी की जा सकती है। इसमें बर्गर, सलाद आदि के उपयोगी ब्रोकली, लेटस जैसी महंगी सब्जियां भी उगाई जाएगी जो बाहर से आती है। किसान धर्मदेव सिंह बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट में करीब 60 लाख का बजट है। इसमें 40 लाख की लागत से पॉली हाउस बन रहा है, जिसमें 10 लाख की पूंजी खुद ही लगी है, जबकि 75% अनुदान उद्यान निदेशालय की ओर से मिला है। इसका निर्माण निदेशालय की ओर से चिन्हित व प्राकृतिक एजेंसी के माध्यम से हो रहा है। मछली पालन हेतु बायोफ्लैक के लिए 10 टैंक तैयार किए जा रहे हैं। इसकी लागत 5 लाख है, जिसमें मत्स्य विभाग की ओर से 50% अनुदान है। नबार्ड की ओर से अब भी 10 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत हुई है। ये राशि काम की गति के आधार पर चरणवार मिल रही है। कुछ अन्य राशि तापमान नियंत्रण के लिए एयर सर्कुलेटिंग सिस्टम लगाने जैसी तकनीकी में खर्च होगी। इसके साथ ही आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह एक्वापोनिक्स है क्या और इसमें इतने रुपए खर्च क्यों किए जा रहे हैं, तो आइए विस्तार में जान लेते हैं कि आखिर क्या है एक्वापोनिक्स। एक्वापोनिक्स एक्वा यानी पानी से संबंधित या इससे जुड़ा कार्य, और पोनिक्स यानी हरी सब्जियां। ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें खेती के लिए केवल पानी की सहायता चाहिए होती है। सिर्फ एक पॉलिथीन कार्डबोर्ड का सहारा होता है जिसमें सब्जी उगती है। कीटनाशक या कोई खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह खुद पानी से अपने जरूरत के हिसाब से भोजन ले लेती है। इसमें पौधे लगाने के लिए पहले छोटे ट्रे में पौधा तैयार करना पड़ता है, फिर इसे तैरते बोर्ड पर रख दिया जाता है। इसके अलावा गोलाकार टैंक होते हैं जिसमें मछली पालन होता है। प्रत्येक टैंक का पानी बाहर निकालता रहता है और एक दूसरे टैंक में जाता है, जहाँ पर शुद्ध पानी बाहर पाइप में चला जाता है। फिर जो मछलियों का पानी होता है वो पाइप के जरिए दूसरे टैंक में जाता है, जहाँ पर बोट के ऊपर सब्जियों के बिछड़े रख दिए जाते हैं। इस तरह से पानी का जब वहाँ जाता है, सब्जियों के जड़ उस पानी से जरूरी पोषण ले लेते हैं। इसके बाद पानी फिर से मछली वाले टैंक में आ जाता है और सब्जियां ऊपर लगी जाली पर उपज जाती है। ये एक आधुनिक तरीका है खेती करने का, जिससे एक बार के खर्च में लोग काफी ज्यादा कमाई भी कर सकते हैं और इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी हैं जिसका लाभ उठा सकते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।